बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबदो व या कनस्ताई। मेरे पाकिस्तानियों, कल डॉक्टर यास्मीन जो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था, जो घर जलाया गया था, उस केस में बरी हो गई है। अदालत ने उनको बेकसूर करार दे दिया गया है। अब डॉक्टर यास्मीन हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट जब बरी हो जाती हैं, तो इसका मतलब कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी, ये जो जलाए गए हैं, वो जो घर जलाया गया और जिधर भी तीन चार जगह और जो जगह जलाई गई हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन तो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने पार्टी पॉलिसी बतानी थी ना, क्या है? तो जब वो बरी हो गई और वो उनकी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे चले जाए, वो बार बार कह रही है कि आपने अंदर नहीं जाना, स्पीकर लाउड स्पीकर पर कह रही है अंदर नहीं जाना, तो इससे अब आगे सवालात उठ जाते हैं कि क्या ये जो लोगों को अंदर डाला गया, 10,000 से ज्यादा लोग जेलों में, क्या ये एक प्री प्लान, एक मंसूबा बना हुआ था कि इसकी आड़ लेके ये जो कोर कमांडर का घर है और ये जो और जगहों पे आगे लगी है, इनकी आड़ लेके सारी पार्टी को बैन करना था, सारी पार्टी के ऊपर जिस तरह का इस वक्त जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये पहले से प्लान था? अब तो ये सामने आ रहा है, ये तो अफवाह हो गया है कि इसका मतलब कि जो भी कोई कर रहा था वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, नहीं तो डॉक्टर यास्मीन बरी ना होती। और मेरा 27 साल की पॉलिटिक्स में मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी आप जाके मुझे ये बता दें कि मैंने कहा हो कि कानून से बाहर जाना है। पुरमन एहतजाज, धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, जब तक वो पुरमन रहे, ये हमारा हक है, ये मेरा आईन, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देती है और ये सबको, पाकिस्तानियों को देती है।